एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। और जो है यहाँ पे मैं एक और रिव्यू लेकर आई हूँ हर्ब्स एंड रूट्स कंपनी का। ये जो है मैंने काफ़ी सुना हुआ था, काफ़ी रिव्यूज़ देख रही थी, तो आई थॉट मैं इनका ट्राई करूँ। तो ये मैंने इनका इनके ये दो प्रोडक्ट्स ही अभी तक लिए हैं एंड आई थॉट मैं आपको पहले इनका रिव्यू दूँ, फिर बाकी प्रोडक्ट्स ट्राई करते रहेंगे और रिव्यू देते रहेंगे। सो मुझे ये दोनों चीज़ें अराउंड 500 to 600 की पड़ी थी। 100% हर्बल है, ठीक है। ये हर्बल क्ले फेयरनेस फेस वॉश है इनका, ठीक है। और जो है ये इनका है हर्बल फेयरनेस क्रीम, ये भी हर्ब्स एंड रूट्स कंपनी का है, सेम 100% हर्बल है। ग्लोइंग ग्लो नेचुरली लिखा हुआ है इन पे। और ये है स्मूथ एंड रेडिएंट स्किन, जो बात बिल्कुल ही सही है, मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। मैंने ये ट्राई की हैं, मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही हूँ। ये 100 ml है और ये 16 ml है। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर बैकग्राउंड साउंड्स एंड जो है नॉइजेस। आई विल ट्राई कि ये मैं एडिट करके थोड़ा कम करूँ, बट जो है अगर नहीं हो सके तो आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ उनको इग्नोर करें। यहाँ पे लाइटनिंग अच्छी थी तो इसीलिए मैं वीडियोज़ यहाँ पे बना रही हूँ आजकल। सो या ये मैं आपको उनका बता रही थी, मतलब ये दोनों चीज़ें मैंने ट्राई किए हैं एंड मैं समझती हूँ मैं कुछ और यूज़ नहीं कर सकूँ कि इनके अलावा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं यार। मतलब इतनी अफोर्डेबल चीज़ें और इतनी अच्छी। अगर आपको हर्बल चीज़ें या जो है ऑर्गेनिक चीज़ें पसंद हैं, यू गोना लव दीज प्रोडक्ट्स, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे अच्छा कुछ और नहीं लगा। बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो लिखा है वही चीज़ है इसके अंदर। बिल्कुल आपको मुल्तानी मिट्टी और क्या कहते हैं रोज़ पेटल्स और जो है रोज़ वाटर की फ्रेग्रेंस आ रही होगी, जो इतनी यम है ना। मतलब सुबह अगर आप फेस वॉश लगा रहे हो, यू विल फील लाइक टू ईट दिस थिंग। बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इवन सी द टेक्सचर, बहुत क्रीमी और बहुत ही अच्छी फेस वॉश है। आई लव्ड इट, मेरी फेवरेट है एंड जो है मुझे लगता है मैं हमेशा ये यूज़ करती रहूँगी। स्किन को सच में स्मूथ बना देती है, मतलब कभी सुना है फेस वॉश स्किन को स्मूथ बनाती है, ये चीज़ बना रही है, बहुत ही अच्छी है। आई लव्ड इट, इनकी फ्रेग्रेंस इज लव, मतलब अभी मेरा दिल कर रहा है मैं लगाऊँ, इतनी अच्छी है। अगर आपको हर्बल चीज़ें या ऑर्गेनिक चीज़ें या ऐसी चीज़ें पसंद है ना, मुल्तानी मिट्टी, क्या कहते हैं रोज़ पेटल्स पाउडर समथिंग, तो यू गोना लव दिस, मस्ट गिव अ ट्राई। बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा। फेस वॉश तो मेरा फेवरेट रहा है इनका, मतलब आई विल लव इट एंड मैं इसको ही हमेशा यूज़ करती रहूँगी। और अगर क्रीम की बात करें तो क्रीम भी अच्छी है, बट मसला ये है कि ये ना मेरी स्किन को थोड़ी सी ड्राई कर देती है। जितने भी जो फेयरनेस क्रीम्स हैं ना, वो आपकी स्किन को क्या कहती हैं, एक वाइट कास्ट भी देती हैं जो मुझे पसंद नहीं, और क्या कहती है ड्राई भी कर देती हैं। तो आई वुडेंट लाइक, मैं इसको फिर से परचेज़ नहीं करना चाहूँगी, इसकी जगह मैं कुछ और ट्राई करना चाहूँगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। बस मुझे ये है कि मेरी स्किन ड्राई ना हो। अगर आपकी स्किन ऑयली है, यू गोना लव दिस थिंग, तो मस्ट गिव अ ट्राई। इसकी भी जो है फ्रेग्रेंस रोज़ पेटल्स की आपको आ रही होगी इससे। और ये इसका टेक्सचर मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए ना, एक थोड़ी सी वाइट कास्ट छोड़ती है जो मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत थोड़ी सी, आपको मे भी कैमरे में पता भी ना लगे, बट इट्स रियली गुड। बहुत ही एक नेचुरल ग्लो कुछ टाइम के बाद देगा अगर आप डेली यूज़ करें। दोनों की फ्रेग्रेंस ऑलमोस्ट एक जैसी ही है और पैकेजिंग तो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही गर्लिश पैकेजिंग है। यू कैन सी ये पिंकिश और ये मैरून कलर, सो पैकेजिंग इज़ 10 out of 10, फ्रेग्रेंस 10 out of 10, प्रोडक्ट जो ओवरऑल है सब 10 out of 10, 100% रिकमेंडेड, बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है और इतनी मतलब अफोर्डेबल है, एक्सपेंसिव भी नहीं है। सो पाकिस्तानी ब्रांड्स को ट्राई करते रहें, पाकिस्तानी भी आजकल ब्रांड्स बहुत अच्छे जा रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही हैं। बहुत मतलब फ़र्स्ट टाइम मैं किसी चीज़ को ट्राई करके पाकिस्तानी प्रोडक्ट को इतना खुश हुई हूँ, क्योंकि लव्ड इट, बहुत अच्छी है, मस्ट गिव अ ट्राई। मतलब अफोर्डेबल स्किन केयर के लिए ना दिस इज़ परफेक्ट,
बहुत अच्छी हैं। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आप सोच रहे हो हर्बल एंड रूट्स के प्रोडक्ट ट्राई करना, तो मस्ट गिव अ ट्राई, और मुझे भी अपना जो है ना एक्सपीरियंस शेयर करना कमेंट करके। एंड दैट्स इट फॉर टुडेस। बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, मस्ट गिव अ ट्राई। और जो है आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही हो आपके लिए। मेरा यही कोशिश होता है कि मैं हर वीडियो को आपके लिए हेल्पफुल बनाऊँ, ईजी बनाऊँ, और जो है आपको कम टाइम में बताऊँ प्रोडक्ट के बारे में जितना बता सकती हूँ। और अपना ख्याल रखते रखें, और क्या कहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।